परफेक्ट डोसा बनाने के लिए परफेक्ट डोसा बैटर का होना जरूरी होता है, तो इसीलिए मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ सही डोसा बैटर बनाने की विधि। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो डोसा बनाने के लिए हम कोई मोटे वैरायटी का चावल लेंगे, तो मैं यहाँ पर मंसूली चावल लिए हैं। और याद रखेंगे कि जो चावल हम ले रहे हैं वो बहुत दिनों को पुराना नहीं हो, यानी नया चावल लेंगे हम, इसी से टेस्ट अच्छा आएगा डोसा का। तो मैंने यहाँ पर 3 कप चावल लिए हैं और 1 कप धुली हुई उड़द का दाल लिए हैं, और 1 ही कप या कटोरी से लेंगे हम उड़द की दाल और चावल, जिस कप कटोरी से ले रहे हैं एक ही यूज करेंगे। और ये चना दाल लिए हैं 2 चम्मच, इससे कलर अच्छा आएगा डोसा का, और मेथी दाना 1 छोटी चम्मच। तो चलिए सबसे पहले चावल और दाल को भिगो लेते हैं। तो एक बर्तन में हम चावल रखेंगे और दूसरे बर्तन में हम ये उड़द की दाल और चना दाल और मेथी रखेंगे। तो पहले से ही मैंने भिगो कर रखे हैं वो ले लेते हैं और इसे हटा देते हैं। और दाल चावल को पहले हम 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे, यानी धो लेंगे, तब हम भीगने के लिए रखेंगे कि ताकि हमारा बैटर साफ बने। तो इन्हें साफ करके मैंने रात भर भीगने के लिए छोड़ दिए थे, अब छान कर पीस लूंगी। आप चाहे तो 6-7 घंटा के बाद छान कर पीस सकते हैं दाल चावल को, लेकिन रात भर भिगो कर ले लेंगे तो और भी अच्छी तरह से भीग जाते हैं ये। तो चलिए अब इन्हें छान कर पीस लेते हैं। तो आप चाहे तो इन्हें कोई छलनी की सहायता से छान ले, अथवा इस तरह से कलछी की सहायता से इसे पानी निकाल कर और इसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा बहुत रह जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें बाद में थोड़ा सा पानी डालना ही होगा। तो इस तरह से हम सारे दालों को मिक्सी जार में रख लेते हैं और फिर पीसेंगे इन्हें। तो सारे दालों को रख लिए हैं, अब चलिए पीसते हैं इन्हें। तो पहले इसी तरह से पहले पीस लेंगे, पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा पानी है ही इसमें, जरूरत पड़ी तो पानी डालेंगे। तो अब थोड़ा सा पानी ढक्कन खोलकर डाल लेते हैं इनमें, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, 2-3 चम्मच डालेंगे, क्योंकि हमें बहुत बारीक पीसना है ये दालों को। तो अब दाल पिस चुकी है, इन्हें आप निकाल लेते हैं। तो दालों को हम बहुत बारीक पीसे हैं, देखिए बहुत स्मूथ कंसिस्टेंसी की बैटर है ये, इसी तरह की होनी चाहिए दालों का। तो अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इन्हीं जार में चावल भी छान कर रख लेते हैं। तो अब चावल भी सारे डाल लिए हैं जार में, अब वापस डालकर इसी तरह से पीस लेते हैं। और चावल को हम थोड़ा सा दरदरा रखेंगे, बहुत मोटा भी नहीं, तो चावल पीस कर तैयार है, इन्हें भी निकाल लेते हैं। और देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी है चावल पेस्ट की, थोड़ा सा दरदरा है। तो अब चलिए इन्हें सारे पेस्टों को मिला लेते हैं, 2-3 मिनट इस तरह से फेंट लेंगे ताकि अच्छी तरह से सारे पेस्ट दाल और चावल को मिल जाए अच्छी तरह एक आपस में। तो 3 मिनट इन्हें फेंट लिए हैं और इस तरह की कंसिस्टेंसी है देखिए बटर का। अभी तो आपको थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, लेकिन इसी तरह के हमें डोसा के लिए बटर रखना है, क्योंकि फर्मेंट होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। तो अब इन्हें ढककर फर्मेंट होने के लिए किसी गर्म स्थान पर रख लेंगे, जैसे अलमारी, ओवन, माइक्रोवेव, इस तरह की चीज़ों में। यदि गर्मी है तो आप बिना ओवन माइक्रोवेव को प्रीहीट किए रखें, अथवा जाड़ा है तो 2-3 मिनट के लिए प्रीहीट कर लीजिए फिर रखिए। और प्री हीट करने के बाद स्विच ऑफ कर दीजिएगा माइक्रोवेव ओवन का, फिर रखिएगा बैटर। जारे में अलमारी में रख रहे हैं बैटर का बर्तन, तो ऊपर से गरम सॉल वगैरह डाल दीजिएगा। मैं इन्हें माइक्रोवेव में डाल रही हूँ। तो देखिए मैंने 13 घंटे के बाद निकाले हैं माइक्रोवेव से, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया फर्मेंट हुआ है ये, बहुत ही अच्छा खमीर आया है इनमें। और जगह अनुसार से थोड़ा टाइम नीचे ऊपर हो सकता है बैटर फर्मेंट होने में, तो आप चेक करते रहिएगा। तो चलिए मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ कि कितना अच्छा फर्मेंट हुआ है ये।
ये देखिए कितना जाली है इसमें। और बैटर में हमें पहले नमक बिल्कुल मत डालना है, जब फर्मेंट होने के बाद जितने बैटर से हम डोसा बनाएंगे उतने ही बैटर हम दूसरे बर्तन में निकाल कर और स्वाद अनुसार से नमक उसमें डालकर और बैटर को एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे और फिर बनाएंगे डोसा। बाकी का बैटर को हम फ्रिज में रखकर 4 से 5 दिन चला सकते हैं। तो आप इसी तरह से बनाइए बैटर और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।